नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने इन आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर जारी की अधिसूचना। एमयू के छात्रों के लिए राहत भरी खबर। सीमेंट से लेकर सरिया तक की कीमत में आई कमी। मुख्यमंत्री ने कहा, जातीय जनगणना किसी के खिलाफ नहीं। देश भर में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सरकार ने इन आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर जारी की अधिसूचना। बिहार सरकार ने कई आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस अफसरों के स्थानांतरण के साथ अतिरिक्त प्रभार को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। जल संसाधन विभाग के सचिव और परिवहन विभाग के अतिरिक्त प्रभार में रहे संजय कुमार अग्रवाल को परिवहन विभाग का प्रभार वापस ले लिया गया है। वहीं गृह विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार को स्वास्थ्य विभाग के सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल से अब अतिरिक्त प्रभार वापस लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल को जिम्मा दिया गया। वहीं श्रम संसाधन विभाग के सचिव संदीप कुमार और पड़कल कुट्टी को स्थानांतरित करते हुए पथ निर्माण विभाग के सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। ये पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। एमयू के छात्रों के लिए राहत भरी खबर। मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन का असर अब दिखने लगा है। मालूम हो कि मगध यूनिवर्सिटी ने लाखों छात्रों में किसी की परीक्षा का रिजल्ट तो किसी की परीक्षाएं रोक दी थी, जिसकी वजह से छात्रों को आगे की पढ़ाई में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। खासकर वैसे विद्यार्थी जो स्नातक की डिग्री के बिना किसी बड़े परीक्षा के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते थे। ऐसे में इन छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मगध विश्वविद्यालय की तरफ से परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि परीक्षा कैलेंडर के जारी होते ही परीक्षा कंट्रोलर राजभवन के आदेश पर बदल दिए गए हैं और नए की तैनाती के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। दरअसल परीक्षा कंट्रोलर एक साथ दो यूनिवर्सिटी का काम संभाल रहे थे, जो कि वैध नहीं है। बीपीएससी सहायक अभियंता की परीक्षा स्थगित। बीपीएससी की तरफ से आयोजित होने वाली सहायक अभियंता प्रतियोगिता परीक्षा की राह देख रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सहायक अभियंता प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। विज्ञापन संख्या 3/2020, 8/2020 और 9/2020 अंतर्गत सहायक अभियंता विद्युत असैनिक और यांत्रिकी संभावित 2 और 3 जुलाई को आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। उक्त परीक्षाओं के आयोजन की तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को वेबसाइट के संपर्क में रहने की सलाह दी है। आंदोलन का दिखा असर। हाल ही में बिहार के लखीसराय जिले के बरहिया स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर रेल आंदोलन किया गया। इसको लेकर कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज किए गए थे। हालांकि अब इसका असर दिख रहा है। कोरोना काल से बरहिया के स्थानीय निवासी को हटिया पटना ट्रेन का बरहिया स्टेशन पर ठहराव नहीं होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब इन लोगों की प्रशासन ने सुन ली है। हाल ही में कई ट्रेनों के ठहराव के बाद अब रेलवे प्रशासन ने पटना हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के ठहराव को भी हरी झंडी दे दी है। ये ट्रेन अब बरहिया रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट के लिए खड़ी रहेगी। रेल प्रशासन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पटना और हटिया के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 18621 और अब 18622 डाउन पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का बरहिया स्टेशन पर अगले 6 महीने के लिए प्रायोगिक तौर पर ठहराव प्रदान किया जा रहा है। 19 जून के बाद मेयर पार्षद नहीं प्रशासक संभालेंगे कामकाज। मालूम हो कि अभी तक नगरपालिका के चुनाव के लिए समय निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे में चुनाव कब होगा इसकी कोई खबर तो नहीं है, लेकिन 19 जून के बाद मेयर पार्षद का कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये कार्यभार कौन संभालेगा। ऐसे में पटना नगर निगम ने 19 जून के बाद प्रशासक नियुक्ति किए जाएंगे। निगम का पूरा कामकाज प्रशासक ही संभालने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में जून में 245 नगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। नगरपालिकाओं का कार्यकाल जून महीने में अलग अलग तारीखों में समाप्त होगा। इनमें पटना सहित 17 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल है। इन नगरपालिकाओं के कार्यकाल को ध्यान में रखकर जून में चुनाव करा लिया जाना था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। बिहार में आग उगल रही है गर्मी। बिहार में इन दिनों बारिश और गर्मी दोनों जैसे हालात बने हुए हैं। प्रदेश के कई जिलों में जहां गर्मी है तो वहीं कई जिलों में बारिश जैसे हालात बने हुए हैं। प्रदेश के लोगों को इन दिनों गर्मी के साथ ही उमस से भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों में बारिश हो रही है, उसके बाद भी प्रदेश में गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इन दिनों राज्य का अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री तक पहुंच रहा है। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान 42.8 डिग्री तापमान डेहरी में रिकॉर्ड दर्ज किया गया। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार ये अनुमान लगाया गया है कि आने वाले 3 दिनों में प्रदेश का तापमान 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। प्रदेश में तापमान में बदलाव मानसून सक्रिय होने के बाद ही देखने को मिल सकता है। पुलिस अधिकारियों और जवानों के लिए बिहार सरकार ने दी खुशखबरी। लंबे समय से अपने तबादले का इंतजार कर रहे बिहार के कनीय पुलिस अधिकारियों और जवानों
के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इन पुलिस अधिकारियों के तबादले की कार्रवाई आखिरकार शुरू हो गई है। इसमें सबसे खास बात यह है कि पुलिसकर्मियों को सेवानिवृत्ति के निकटता के आधार पर तबादले का लाभ दिया जाता है। सेवानिवृत्ति के एक और दो साल बचे रहने पर उन्हें ऐच्छिक जिला यानी कि उनके इच्छा के अनुसार और गृह जिला में पदस्थापित करने का नियम बना है। वहीं इसके लिए इच्छुक पुलिसकर्मियों के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए बीते दिन को स्थानांतरण समिति की बैठक होनी थी और सभी सदस्यों के मौजूद नहीं रहने के चलते इसे टालना पड़ा। बिहार के 13 विश्वविद्यालयों में वेतन और पेंशन मिलने पर लगी रोक। बिहार के करीब 13 विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। इसकी वजह विश्वविद्यालय खुद है। दरअसल वित्त विभाग के गाइडलाइन के अनुसार 18 महीने पहले तक निर्गत राशि का विश्वविद्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र पेश करना था, लेकिन इन विश्वविद्यालयों ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद इनके वेतन और पेंशन राशि पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार की तरफ से वेतन और पेंशन मद में 182 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। ये राशि मार्च, अप्रैल और मई के लिए है, लेकिन ये राशि तभी विमुक्त होंगे जब वित्त विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्गत होगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से उपयोगिता प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए अभियान चलाया गया। इससे संबंधित विश्वविद्यालयों से अब तक 8000 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र मिला है। बाकी 4000 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है। सीमेंट से लेकर सरिया तक की कीमत में आई कमी। अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं या फिर घर बनाने का काम चल रहा है तो ये आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि सीमेंट के दाम में कमी आई है। वहीं सरिया यानी छड़ भी 75 रुपए प्रति किलो की जगह अब 60 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। इस तरह सीमेंट 10 से 15 रुपए प्रति बैग सस्ता हुआ है, जबकि सरिया की कीमत में 15 रुपए प्रति किलो की कमी आई है। इसके कारण मकान बनवा रहे लोगों को कुछ राहत मिली है। बता दें कि मार्च अप्रैल में डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से उत्पादन लागत और परिवहन खर्च बढ़ने से सीमेंट और सरिया की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हुई थी। सीमेंट और सरिया कंपनियां उत्पादन लागत में बढ़ोतरी का हवाला देकर लगातार कीमतें बढ़ा रही थी, लेकिन अब इसमें राहत दी गई क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम में भी केंद्र सरकार ने कमी की है। न्यायिक सेवा कोटे से 7 जजों ने आज लिया शपथ। पटना हाईकोर्ट में सुनवाई में अब तेजी आएगी। मालूम हो कि पटना हाईकोर्ट में न्यायिक सेवा कोटे से 7 जजों की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहां आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस अहसान उद्दीन अमानुल्लाह का स्थानांतरण पटना हाईकोर्ट में हो गया। इस संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं वकील कोटे से 2 जजों की नियुक्ति की गई है। इन सभी को मिलाकर कुल 10 जजों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्यायिक कोटे से जिन 7 जजों के लिए अधिसूचना जारी की गई थी उनका आज शपथ ग्रहण हुआ, जिसके बाद अब पटना हाईकोर्ट में कुल जजों की संख्या 34 हो गई है। 3 जजों का शपथ ग्रहण अभी होना बाकी है, इसके बाद कुल जजों की संख्या 37 हो जाएगी। हालांकि पटना हाईकोर्ट को अभी भी 16 जजों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा, जातीय जनगणना किसी के खिलाफ नहीं। बिहार में लंबे समय जातीय जनगणना कराने की मांग को केंद्र सरकार ने जरूर ठुकरा दिया है, लेकिन बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष ने आपसी सहमति से बिहार में जातीय जनगणना करवाना निश्चित कर लिया है और अब इसके बाद बिहार सरकार ने जातीय जनगणना पर आखिरकार मुहर लगा दी। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जाति आधारित गणना सभी के पक्ष में है, ये किसी के भी खिलाफ नहीं है। बिहार में बहुत ही अच्छे ढंग से इसे किया जाएगा। इसकी तैयारी सामान्य प्रशासन विभाग कर रहा है, इसमें कुछ समय लगेगा। कुछ दिनों के बाद गणना का काम शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने फरवरी 2023 तक इस गणना को पूरा कराने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी थी। इसमें 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। राजद के पोस्टर ने कांग्रेस की बढ़ाई चिंता। बिहार की राजनीति में पोस्टर विवाद एक अहम मुद्दा है, जिस पर आए दिन विवाद होना तय होता है। बिहार की राजनीति इतने स्तरों पर चलती है कि बड़े बड़े सुरमायों के भी समझ से परे होता है। इसके बाद अब राजद की तरफ से पटना में लगाए गए पोस्टरों ने कांग्रेस के लिए कुछ ऐसी ही स्थिति पैदा कर दी है। वहीं जदयू और भाजपा इस पर खूब मजे ले रही है। दरअसल राजद की तरफ से तेजस्वी यादव ने 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाने का ऐलान कर रखा है। खास बात यह है कि 5 जून को होने वाले संपूर्ण क्रांति दिवस का आयोजक राजद की तरफ से जारी पोस्टर में महागठबंधन को बताया गया है। इन पोस्टरों में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अलावा केवल तेजस्वी यादव की बड़ी तस्वीर लगी है। कुछ पोस्टरों में तेजस्वी यादव के पिता और राजद अध्यक्ष लालू यादव के अलावा वाम दलों के चंद नेताओं की तस्वीर भी लगाई गई है, लेकिन इन पोस्टरों में कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं दिख रहा है, जिस पर ही अब भाजपा और जदयू खूब मजे ले रहे हैं। हम पार्टी प्रवक्ता ने कहा, धोखा देना राजद की आदत है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने राजद पर बड़ा हमला बोला है और वामदलों को बड़ी नसीहत दी है। दरअसल पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान का मानना है कि राजद धोखा देती रही है और राजद को तानाशाह करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब महागठबंधन बना तो इसमें हम, रालोसपा, वामदल और कांग्रेस भी शामिल थे, लेकिन इन सभी पार्टियों पर राजद का रवैया तानाशाही वाला रहा, जिसके कारण विधानसभा चुनाव से पहले मांझी ने खुद को अलग किया। बाद में रालोसपा ने भी सीट बंटवारे से लेकर नाराजगी जाहिर की और राजद और महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। दानिश रिजवान ने कहा कि कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस के साथ भी राजद का व्यवहार ऐसा ही रहा। सभी ने देखा कि जब कांग्रेस ने उपचुनाव में अपने हिस्से की सीट की मांग की तो किस तरह उससे
कान पकड़कर महागठबंधन के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देश भर में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। देश भर में आज यानी शनिवार को कोविड 19 मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 3962 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 26 लोगों की जान भी गई। देश का सक्रिय केस लोड वर्तमान में 22,416 है, जबकि अब तक दर्ज किए गए कुल मामलों का 0.05% है। इस बीच राहत भरी खबर यह है कि देश की रिकवरी दर 98.73% रही है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के फ्यूचर को लेकर शोएब अख्तर का बड़ा बयान। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के फ्यूचर को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। स्पोर्ट्स क्यूडा पर हरभजन सिंह के साथ बातचीत में शोएब अख्तर ने कहा कि ये अभी भी देखने वाली बात होगी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये आखिरी वर्ल्ड कप है या आखिरी आईपीएल होगा या नहीं, लेकिन इन प्लेयर्स के ऊपर अपने फॉर्म को बरकरार रखने का दबाव जरूर होगा। जब आप अपने करियर के आखिर में होते हैं तो फिर दबाव बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर उनके करियर के आखिर में अक्सर शतक बनाने के बारे में सवाल पूछे उनसे जाते थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है संतोष यादव, ज्योति, सचिन कुमार, मिथुन कुमार सिंह, रवि दीवाना, शशि भूषण, मिंटू कुमार, कुमार कौशल सिंह, स्टूल कुमार, सोनू कुमार, नीलम शाह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपकी यूनिवर्सिटी सही समय पर परीक्षाओं का आयोजन और रिजल्ट घोषित करती है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।